अल्लाह ताला ने अहले ईमान को यह हुक्म दिया, ऐ महबूब आप इरशाद कर दें अहले ईमान को, यगुद्दु मिन अबसारिहिम, कि वो अपनी नजर की हिफाजत करें। अगर इंसान की नजर पड़ जाती है तो उसके लिए हुक्म है अन्नज़रतुल उला वस्सानियतु अलैका, फरमाया पहली नजर तुझे माफ है क्योंकि उसमें तेरा कष्ट नहीं है। अगर उसी नजर के तसलसल को बरकरार रखता है या दूसरी मरतबा देखता है तो फरमाया वो तेरे ऊपर वबाल होगी। तो पहली नजर की माफी दी गई क्योंकि इस्लाम जो है वो दीन फितरत है। तो जहां इंसान की जहां कमजोरी है, जहां उसकी बे इख्तियारी है, वहां छूट दे दी गई। लेकिन उसके बाद अगर उस नजर का तसलसल बरकरार रहता है या फिर दूसरी नजर कोशिश करके देखता है और ताकुब करता है तो फिर फरमाया वो तेरे ऊपर वबाल है। और वो आंख जो गैर महारम को देखती रही कल कयामत के दिन जहन्नम की आग से भर दी जाएगी। और तीन आंखें हुजूर ने फरमाया कयामत के दिन कोई आंख नहीं होगी जो रो नहीं रही होगी, सिर्फ तीन आंखें होंगी कि जिनमें आंसू नहीं होंगे और जो नहीं रो रही होंगी। एक वो नजर जो गैर महारम की तरफ देखने से बची, दूसरी वो नजर जो अल्लाह जल्ला शानहू की राह में उसके रास्ते के अंदर जागती रही, पहरा देती रही, सरहदों के ऊपर मुहाफजत करती रही। और तीसरी वो नजर वो आंख के खौफे खुदा में मक्खी के सर के बराबर उससे आंसू निकल आए। तो फरमाया ये तीन आंखों के अलावा बाकी जितनी भी आंखें हैं वो कयामत के दिन रो रही होंगी। तो अपनी नजर की हिफाजत ये बहुत जरूरी है। और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर यहाँ खुसूसियत के साथ इसका तज़किरा इरशाद फरमाया वयहफ़ज़ु फ़ुरूजहुम ज़ालिका अज़्का लहुम, और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें ये बेहतर है उनके लिए। इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा यस्नऊन, बेशक अल्लाह उनके कामों की खबर रखता है। यानी अगर तुम अपनी नजर को महफूज नहीं रख पाते तो मत समझो कि किसी ने देखा नहीं है, तुम्हारा रब देख रहा है, उसकी नजर से कोई शय पोशीदा नहीं है। एक एक चीज लिखी जा रही है और उसका हिसाब कल तुम्हें देना पड़ेगा। तो फरमाया वो जानता है, वो देखता है, अगर तुम बच जाओ तो फिर भी देख रहा है और अगर तुम ना बचो तो वो फिर भी देख रहा है। तो ये अहले ईमान को हुक्म दिया गया। दूसरी तरफ औरतों को हुक्म दिया गया वकुल लिल मोमिनात यगदुदन मिन अबसारिहिन, और ऐ महबूब मुसलमान औरतों को भी हुक्म दें कि वो भी अपनी नजरों को नीचा रखें। अगर मर्द को रोका गया है कि वो गैर महरम औरत की तरफ ना देखे तो औरत को भी रोका गया है कि वो गैर महरम मर्द को ना देखे। हजरत उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर की जौजे मोहतरमा हैं, हजरत मैमूना रदी अल्लाह ताला अन्हा के घर गई और वो भी हुजूर की जौजा है। तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने मकतूम आए तो ये उनको देखने लगी तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि पर्दा करो। हैरत से अर्ज की हुजूर ये तो नाबीने हैं। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये नाबीने हैं, तुम नाबीना तो नहीं हो। यानी औरत को भी मना कर दिया कि तू मर्द को ना देखे, बल्कि हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी साहबजादी सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा गया कि औरत के लिए बेहतरीन पर्दा क्या है। तो सैयदा फरमाने लगी कि औरत का बेहतरीन पर्दा यह है कि ना वो मर्द को देखे और ना कोई मर्द उसको देखे। बल्कि हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस वजह से परेशान रहा करती थी कि अब तो मैं अपने पर्दे की हिफाजत करती हूँ, जब मौत तारी हो गई तो फिर उसके बाद चारपाई के ऊपर उठा करके कब्रिस्तान में ले जाते हैं और औरत के जिस्म की डील ढोल जो है उसको मर्द देखते हैं, तो मेरे लिए यह भी परेशानी का बायस होगा। तो वो इस मामले में सख्त मुतफक्के रहा करती थी। हजरत अस्मा बिनते उमैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से उन्होंने एक दिन यूं बात की तो वो फरमाने लगी कि मैंने हबशे के अंदर लोगों को देखा है कि वो औरतों के लिए एक खास डोली है और आपने कहा कि मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। उन्होंने खजूर की चार शाखें मंगवाई और फिर चारपाई के चार पायों के साथ बांध दी और उनको आपस में जोड़ दिया और उसके ऊपर पर्दा डाल दिया और कहा कि मैंने यूं हबशा के अंदर देखा है। तो हजरत फातिमा तो ज़हरा इतना खुश हुई
इस बात पर कि ये एक अच्छा तरीका मिल गया है, और इस तरह औरत मरने के बाद भी अपने पर्दे की और अपनी आबरू की इस तरह से हिफाजत कर सकती है। तो यानी इस अंदाज के साथ और इस सूरत के अंदर जो है वो हमें सबक और दर्स दिया गया। और सैयदा फातिमा ज़हरा तो वो हैं कि सूरज ने भी कभी उनके बाल नहीं देखे थे, बल्कि कयामत का दिन होगा और जब सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा 70,000 हूरों के जलो में मैदान हशर से गुजरेंगी तो एकदम आवाज आएगी, या माशरल जमे गुद्दू अबसारकुम, ए अहले माशर अपनी निगाहों को नीचा कर लो, इसलिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा का गुजर हो रहा है। तो अहले मैशर को नजरें झुकाने का कहा जाएगा, चूंकि उन्होंने जिंदगी में अपने पर्दे की अपनी जान से ज्यादा हिफाजत की, और अल्लाह ताला जल्ला शानहू उनको कयामत के दिन भी इस अंदाज के साथ इजाज़ो तकरीम अता फरमाएगा।